हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ ये बना रही हूँ मैं सब्जी वाले आलू मटर वाले चावल। तो ये मैंने पहले से कर लिया है क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो इसका करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल के फिर मैंने पोटैटोस को थोड़ा सा क्रंची रेड सा कर लिया था, फिर उसमें थोड़े से मटर डाले हैं। अब मटर डालने के बाद मैंने जो ये इतने से मतलब सब्जी जो डालनी है वो तो अपनी मर्जी से डालनी है, कितनी आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। और चावल जो हैं मेरे पास एक गिलास, हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, तो वही एक गिलास चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो ये मैंने एक गिलास चावल इसमें डाल दिए हैं। और अब इनको मिक्स कर दूँगी सारे को इसमें, और ये मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक गिलास चावल है तो उसमें 1.5 ग्लास में पानी डालूंगी। अब मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल लिया है, और नमक मिर्ची हल्दी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे हमारे फैमिली में खाते हैं उस हिसाब से डाली है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जैसे आपको पसंद है। तो अब मैं पहले इसको उबाल आने तक नॉर्मल हीट पे रखूंगी, और जैसे ही उबाल आने लगेगा फिर इसको हीट स्लो कर दूंगी। और अभी इसको कवर कर देती हूँ। तो कवर करने के बाद अब जब ये प्रॉपरली बॉयल हो जाएगा उसको फिर स्लो पे सिम पे करके रख देंगे, फिर बाद में दम देके इसको चावलों को बना लेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए चावल बनके बिल्कुल तैयार हैं, और इसमें मैंने सिर्फ फोक से इसको थोड़ा थोड़ा हिला के ऐसे किया है ताकि ये देखें अच्छे से बन जाएं। शायद मेरी ये दोबारा रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि थोड़ी देर बीच में कैमरा लग रहा था जैसे स्टॉप हो गया, तो मैं अभी दोबारा से आपको करके बता रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खिले खिले चावल बने हैं। इनको आप आम के अचार के साथ और दही के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।